हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल चॉकलेट पेड़ा। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी मिठाई है। तो आइए चॉकलेट पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध। आप मेजरमेंट करने के लिए कोई भी कप, कटोरी या ग्लास भी ले सकते हैं। 1/2 कप हमने चीनी डाल दी है। चीनी हमें बहुत ज्यादा यूज में नहीं लेनी है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पेड़ा, और चॉकलेट पेड़ा नाम से ही पता चल रहा है बहुत मीठा होता है। तो देखिए, इस तरीके से चीनी को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे ताकि दूध में हल्की सी घुल जाए। देखिए, चीनी दूध में घुलने लगी है। अब हमने लिया है 1 कप नारियल का बुरादा, इसको भी हम दूध में डाल देंगे। अच्छी तरह से दूध में नारियल के बुरादे को मिक्स कर लेंगे। देखिए, दूध में नारियल का बुरादा डालने के बाद में काफी हद तक गाढ़ा होने लगा है। अब हम डाल देंगे इलायची पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पसंद करें तो डालें वरना स्किप कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर आप यूज में नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कैशोनट पाउडर भी यूज में ले सकते हैं, यानी कि काजू पाउडर। अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई किया हुआ है। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हिला लेना है ताकि नीचे लगे नहीं। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी है। देखिए, काफी हद तक गाढ़ा भी हो गया है। और आपको एक बात बता दूं, हमने यहाँ पे मावा, घी कुछ भी यूज में नहीं लिया है, और ये मिठाई हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सारे मिक्स को हम किसी बड़े बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। सारे मिक्स को हमने परात में फैला दिया है ताकि फटाफट से हमारा मिक्स ठंडा हो जाए और हम फटाफट से चॉकलेट पेड़ा तैयार कर लें। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेड़ा मिक्स पतला है या बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर पतला है तो आप इसमें नारियल का बुरादा और डाल सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप हल्का सा दूध डाल के इसको सेट कर सकते हैं। अब हम मिक्स में से इस तरह से थोड़ा सा लेंगे, एक छोटे नींबू के साइज का या छोटे टमाटर के साइज का, और देखिए इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। और गोल करके इसको आप इस तरह से हल्का सा चपटा कर लीजिए। इसी तरह से हम सारे पीसेस बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने सभी पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पेड़ा मिक्स आपके हाथों में चिपकता है तो आप थोड़ा सा सूखा नारियल का पाउडर लगा करके भी पेड़ा बना सकते हैं, या हल्का सा घी लगा करके भी पेड़ा बना सकते हैं। अब हम सभी पेड़ों को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने यहाँ पे लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड, लगभग 200 ग्राम के आसपास हमने कंपाउंड लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। डार्क चॉकलेट कंपाउंड को हमने फ्रिज में नहीं रख रखा था, देखिए इसलिए बहुत सॉफ्ट है और आसानी से इसके पीस हो रहे हैं। इस तरीके से सारे इसको कट कर लेंगे। डार्क चॉकलेट कंपाउंड के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। डार्क चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने रख दिया था। पानी बॉईल हो चुका है, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। एक चीज का ध्यान रखिए कि जो पानी है वो बाउल से टच ना हो, नीचे ही रहे। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, और देखिए अभी फटाफट से हमारी जो चॉकलेट है मेल्ट हो जाएगी। देखिए, चॉकलेट हमारी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको भगोने से अलग हटा देंगे। रक्षाबंधन स्पेशल चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए हमारा कंपाउंड भी रेडी है, पेड़े भी रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पेड़े को लेना है और इस तरह से थोड़ा सा सेट करते हुए, वैसे देखिए फ्रिज में रखने के बाद एकदम सेट हो गए हैं, हाथ में चिपक भी नहीं रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से धीरे से कंपाउंड में छोड़ देंगे और मेल्ट करी हुई चॉकलेट में हम इस तरह से डाल करके उसको डिप कर देंगे।
और आहिस्ता से इसको बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट में मैंने बटर पेपर लगा रखा है। देखिए इस तरह से हमारा चॉकलेट पेड़ा बनके रेडी हो जाएगा। आप इसको जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कलरफुल स्प्रिंकल्स। इस तरह से देखिए मैं इस पर डाल दूंगी। आप चाहें जैसा डिजाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है, और ये बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इसी तरह से हम सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। चॉकलेट पेड़े बिल्कुल रेडी हैं, हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिए हैं, और देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारा पेड़ा बनके तैयार हुआ है। सबसे पहले इसकी जो साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसको नाइफ से अलग हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से कितना बढ़िया और कितना शानदार लग रहा है लुकिंग में, और बहुत ही आसानी से बनने वाली स्वीट डिश है। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े के साइड में जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको निकाल देंगे। हमारी रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बिल्कुल रेडी है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है, और बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स चॉकलेट पेड़ा को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।